कभी आपने सुना है कोई अपनी खूबसूरती से लोगों की जान लेता हो जापानीज माइथोलॉजी में ऐसा ही कुछ करती थी जोरो गोमो आइए जानते हैं जोरो गोमो के बारे में जोरो गोमो एक स्पाइडर वुमेन थी जो कि आधी मकड़ी और आधी इंसान हुआ करती थी ये बहुत सुंदर हुआ करती थी और इनके पास बहुत ही मैजिकल पावर्स हुआ करते थे जिसका यूज़ करके ये जवान लड़कों और आदमियों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें मार दिया करती थी जिसकी वजह से इन्हें रहस्यमयी दुल्हन भी कहा जाता था जापान के लोगों का ऐसा मानना था कि जोरो

अपनी तरफ खींचने लगा लेकिन किसी तरह वो आदमी बचकर भाग गया उसने पूरे गांव में इस घटना को फैला दिया और गांव के सभी लोग डर कर उस वाटरफॉल में जाना छोड़ दिए पर एक आदमी को इसके बारे में पता नहीं था और वो वहीं लकड़िया काटने चला गया उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई जैसे ही वो उसे उठाने गया एक खूबसूरत लड़की पानी से बाहर आई और उसकी कुल्हाड़ी उसे दे दी बदले में उस लड़की ने इस बात को सबसे छुपाने को कहा मगर एक दिन शराब के नशे में होने के कारण उस आदमी ने वाटरफॉल की उस खूबसूरत लड़की के बारे में सबको बता दिया उसके प्यार में पागल होकर वो रोज उसे देखने चला जाता था सारे गांव के मना करने के बाद भी वो किसी का नहीं सुनता और एक दिन वाटरफॉल में उसे देखने के लिए वो जैसे ही पानी के नजदीक गया मकड़ियों के जाल ने उसे पानी के अंदर खींच लिया और वो वही मर गया क्या आपने इस रहस्यमयी दुल्हन और स्पाइडर वुमेन जोरोगोमो के बारे में पहले कहीं सुना था